तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पिवट टेबल। जी हाँ, पिवट टेबल आज का हमारा टॉपिक है और हम बात करेंगे आपके साथ पिवट टेबल के ऊपर कि पिवट टेबल का क्या बेनिफिट है, क्या यूज है और वगैरह वगैरह। उससे पहले मैंने आपको पिवट टेबल की वीडियो दे दी थी देखने के लिए ताकि आप उसको अच्छे से देख ले। हम पिवट टेबल की वीडियोज आपने देखा ताकि थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से पिवट टेबल की हो जाए। तो चलिए पिवट टेबल शुरू करते हैं। उससे पहले जानिए कि पिवट टेबल का यूज क्यों होता है, क्या है बेनिफिट उसका। तो पिवट टेबल से पहले हम बात करते हैं ऑफिस में हम करते क्या है, रिपोर्ट बनाते हैं। तो रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम रिपोर्ट की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ें तो आप पढ़ेंगे रिपोर्ट इज द समरी ऑफ द डेटा। मतलब कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं आप, चाहे वो मेथड आपका मंथली रिपोर्ट हो, ईयरली रिपोर्ट हो, कंपेयर रिपोर्ट हो, वो डेटा को किसी न किसी तरीके से हम शॉर्ट समरी भी बनाते हैं, थोड़ा या ज्यादा उसमें समरी ही होता है। अगर हम पिवट टेबल की डेफिनेशन जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है उसकी बात करें तो वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पिवट टेबल का यूज करते हैं अपने रिपोर्ट में। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो 70 to 80% रिपोर्ट्स में हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा या बहुत पिवट यूज करते हैं या कर सकते हैं। सो पिवट को थोड़ा सा स्लोली पढ़िएगा और डिटेल में पढ़िएगा प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि तो पिवट टेबल पे कमांड हो गया तो आपको आगे और भी चीजों पर दिक्कत नहीं होगी। आइए जब अगर पावर पिवट है, पावर क्यूरी है, उसके बाद आपको पिवट टेबल को ही बेस लेते हुए पावर बीआई एंड टैबलू जैसे सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो कि पिवट टेबल के जैसा ही है, मैं जैसा ही उसी को बेस लिया गया, उसका डीएनए वही है। तो चलिए हम पिवट टेबल को शुरू करते हैं। तो आपके सामने मेरी इस पे आपके सीट एक्सेल सीट पे आपको दिख रहा होगा डेटा। अब इस पिवट टेबल को स्टार्ट करने से पहले डेटा को एक बार समझ लेना चाहिए कि डेटा क्या है, राइट? तो डेटा क्यों समझना है, क्योंकि हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर डेटा आपका है क्या, ठीक है सर? तो डेटा आपका क्या है, इस चीज का, क्योंकि जब तक डेटा को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने इसको मतलब कि डेटा को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने रिपोर्ट्स को कैसे हैंडल करेंगे। सो रिपोर्ट्स तो है ही, लेकिन डेटा इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने एक डेटा है जो कि सेल्स का है, जिसमें एसआईडी है, डेट है, नेम है, सिटी है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, टाइप्स है, प्रोडक्ट न्यू है या ओल्ड है और यहाँ पे अमाउंट है। अब पिवट टेबल लगाने से पहले दो चीजों पे ध्यान रखिएगा। पहली, आपकी हेडिंग जो है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हेडिंग ब्लैंक है तो दिक्कत होगा थोड़ा सा। तो हेडिंग आपकी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हेडिंग ब्लैंक होगा तो पिवट लगेगा ही नहीं और पिवट हेडिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। दूसरा, पूरा का पूरा डेटा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और पूरा डेटा ब्लैंक है तो पिवट में दिक्कत हो जाती है, इसलिए पूरा का पूरा डेटा हमारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आप कमरान जी ज्वाइन कीजिए। हो सकता है
सॉरी सर, तो यहां आपके अगर रो बिल्कुल ब्लैंक है, अगर रो बिल्कुल ब्लैंक है तो आपका पिवट वर्क नहीं करेगा, माने कि पिवट इससे ऊपर कहीं वर्क करेगा, नीचे का वर्क नहीं करेगा, जैसे सॉर्टिंग में मैंने आपको समझाया था। तो पिवट टेबल लगाने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका डेटा में कहीं पूरी की पूरी रो नहीं तो ब्लैंक है। अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक है तो पिवट लगाइए मत, पहले उसको लगाइए तो सिलेक्ट कर लीजिए पूरे को, फिर लगाइए। ऐसा नहीं है कि ब्लैंक होगा तो पिवट एक्सेप्ट नहीं करेगा, पिवट एक्सेप्ट करेगा, बट अगर ब्लैंक हुआ तो फिर डेटा को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर पिवट अप्लाई होगा। मैं इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट और पिवट टेबल पे क्लिक करता हूं, बाकी कुछ नहीं करना है, ओके कर दीजिए। अब यहां आपका पिवट एरिया है, यहां आपके फील्ड्स हैं, और इसको उठा के इन चारों में रखना है, सिंपल। और मैंने बोला था कि आपका हेडिंग जो है, यहाँ जो हेडिंग है ये हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हेडिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। तो मैंने नेम को उठा के यहां रखा, और नेम को उठा करने से क्या हुआ, आपने देखा यहां पे नेम सीक्वेंस आ गया आपका, जो सीट में देखिएगा कि एक नेम कई बार रिपीटेड है, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें एक नेम एक ही बार रिपीटेड है। उसके बाद मैं यहां सिटी को उठाया, या फिर पहले पहले तो सिटी को उठाया, कुछ भी उठाने से पहले आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि आप आखिर रिपोर्ट चाहते क्या है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे अपने डेटाबेस से रिपोर्ट चाहिए कि किस पर्सन ने कितनी अमाउंट सेल किया है, सिंपल। तो मैंने नेम को यहां रखा ताकि इस तरह से मेरा लिस्ट रो वाइज नेम लिस्ट आ जाए, फिर अमाउंट को मैंने वैल्यू में रख दिया। तो वैल्यू में क्यों रखा, क्योंकि जिस भी फील्ड के ऊपर आपको टोटल करना है उसको हमेशा वैल्यू में रखते हैं। अब जो अमाउंट हमने डाला इसमें क्या था, नंबर था, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आपका टोटल आ गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ टेक्स्ट हो तो काउंट आएगा, या एवरेज लेना हो या मैक्सिमम लेना हो, तो साइड में इस पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फिल सेटिंग पे जाइए और यहां से अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एवरेज ले लिया तो यहाँ पे एवरेज दिखेगा, तो जो डालेंगे वो आपका दिखेगा। दूसरा इसकी फॉर्मेटिंग, जैसे कि आप पहले तो यहाँ पे देखिए रो लेबल है, तो मैं इसके जगह पे नाम चेंज कर सकता हूँ। सम ऑफ अमाउंट है, इसके जगह पे मैं टोटल अमाउंट ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ जो नाम वगैरह है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। चेंज किसको नहीं कर पाएंगे, जो टोटल है, मतलब जो कैलकुलेटेड फील्ड में देखिए वैल्यू वाले सेक्शन से है उस पर किसी तरह का चेंजिंग आप करोगे तो नहीं करेगा, और चेंजिंग करने ही नहीं देगा। अब बात करते हैं अपने पिवट की फॉर्मेटिंग की। देखिए पिवट का जो फॉर्मेट है, आप यहां से पिवट का फॉर्मेट आसानी से यहां से आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप करते हैं, बट मैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग को रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। ना करने के पीछे रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर फॉर्मेटिंग लगा दी, तो फिलहाल तो चलो अभी 17 तक डेटा है, कल की डेट में आप रिफ्रेश करोगे तो ये बढ़ सकता है। हम रिफ्रेश क्यों करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है। देखिए पिवट के अंदर कुछ भी चेंज होगा तो आपको एक बार उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप एक बार चेंज करो, डेटा में से मान लीजिए ना कि मैं यहाँ पे कोई फिगर ही चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे 2010 कर दिया, तो ये चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कब होगी, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो रिफ्रेश करते समय ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए देखा आप नॉट फिट हो गया आपका। तो फॉर्मेटिंग, क्योंकि आप जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं वो आपका पिवट से लिंक नहीं ना है,
तो पिवट से लिंक आपको नहीं है, इस कारण से दिक्कत हो सकता है। तो यहां पे हम जो है अपना ये आपका पिवट टेबल एनालाइज यहां पे डिजाइन में जाते हैं, तो यहां पे आपके डिजाइन हैं, यहां से आप डिजाइन उठा सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी फॉर्मेट है और ये आपका पिवट से लिंक भी होता है। अगर आपने इसको अप्लाई किया तो ये आपके पिवट से लिंक हो गया। जैसे हम चेंज करेंगे पिवट भी अपने आप को चेंज करेगा। ओके ओके अब इसमें आपको चार्ट वगैरह लगाना है, नॉर्मल आप चार्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके चार्ट लगा दिए, चार्ट आपका पिवट से कनेक्टेड होता है। पिवट पे चेंज हुआ, जैसे मैंने नेम की जगह पे सिटी ले लिया तो आपका रिपोर्ट सिटी वाइज हो गया। और चार्ट की भी अपनी जो चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसका अपना फॉर्मेट है, अपना डिजाइन है, यहां से चार्ट की भी अपनी डिजाइन वगैरह आप ले सकते हैं। इस तरह से रिपोर्ट हम बनाते हैं और बना के भेजते हैं। ओके, तो पिवट टेबल का स्ट्रक्चर पता चल गया ना, स्ट्रक्चर क्या है। अब चलिए पिवट टेबल में कुछ रिपोर्ट्स हम बनाते हैं। तो मैं यहां पे अब जो चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि किस पर्सन ने किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो जैसे कि मैंने यहां पे नेम को यहां रखा और सिटी को यहां रखा और क्वांटिटी को यहां पर रखा। ठीक है, सबसे पहले यहां देखिए ब्लैंक्स दिख रहा है, मैं चाहता हूं ब्लैंक की जगह पे जीरो हो जाए। तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में, पिवट टेबल पे कर्सर रखिए, राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे आइए। पिवट टेबल ऑप्शन पे जब आते हैं तो यहां आपको दिखता है फोर एम्प्टी सेल्स शो, और इसको मैं जीरो कर देता हूं। देन तो यहां पे हम जीरो कर देते हैं, तो आपका रिपोर्ट यहां पे दिख जाता है, जीरो दिख जाता है। अब इस तरह के रिपोर्ट आपका बन गया। इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग अपनी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने सिटी को उठा कर रख दिया इसमें, तो सिटी में तो चलो 5-7 है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सिटी ज्यादा होता है, जैसे कि डेट में रखा हूं मैं यहाँ पे इसको ग्रुप करता हूँ, तो कितना ज्यादा डेट हो गया, अब इसको नेविगेट करना मुश्किल है ना सर, दिख रहा है ना सर। तो उस केस में जब आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ डेटा हो तो आप जो है ओपन फील्ड में रखना अवॉइड कीजिएगा, उसको रखिएगा आप रो के अंदर सब हेडिंग। जैसे मैंने यहां पे सब हेडिंग बना दिया, इस तरह से सब हेडिंग आप बना सकते हैं। इसमें एक फायदा होता है कोलैप्स और एक्सपेंड का, जैसे यहां पे देखिए एक कोलैप्स हो गया, एक्सपेंड कोलैप्स, एक साथ सारा करना है तो एनालाइज में ये बटन होता है, कोलैप्स एक्सपेंड कोलैप्स एक्सपैंड यहां से। लेकिन इस तरह की चीजें तभी वर्क करती है जब रिपोर्ट को आपको एज ए पिवट टेबल भेजना है। अगर मान लीजिए रिपोर्ट आपको एज ए पिवट टेबल नहीं भेजना हो, कहीं पे कॉपी पेस्ट करना हो तो दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत क्या होगी, दिक्कत होगी कि जब इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हैं, जैसे मैंने इसको लिया कॉपी किया और किसी अलग सीट पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट एज ए हमने कर दिया वैल्यू, तो यहां पे क्या हुआ कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि सिटी कौन सा है और नेम कौन सा है। So, हम चाहते हैं दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में हो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में हो। उस केस में कैसे करेंगे,
केस में राइट क्लिक करते हैं पिवट टेबल ऑप्शंस पे, दो तरीके, और यहाँ पे आपका डिस्प्ले आता है, इसमें क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट पे क्लिक कर दीजिए, या फिर डिजाइन में जाइए और यहाँ रिपोर्ट लेआउट में शो टेबुलर फॉर्म है, इसको देख लीजिए। ये आपका दो अलग अलग सेल में आ गया। अब यहाँ पे देखिए सब टोटल आ रहा है, मतलब जैसे दिल्ली का खत्म हो रहा है, जो भी है वो खत्म होगा, यहाँ पे आपको सब टोटल आया, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे सब टोटल आ गया, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे सब टोटल आ गया, यहाँ पे सब टोटल। तो इस तरह की चीजें हम जो है अपने ऑफिस में कभी अलाउ करते हैं, कभी अलाउ नहीं करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, सब टोटल को यहां से अनचेक कर देते हैं। सब टोटल में अनचेक हो गया, इस तरह की चीज आ गई। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे दिल्ली इसके नीचे आए, नोएडा इसके नीचे आए, पुणे इसके नीचे आए, मतलब कि रिपीट हो जाए। रीजन ये कि जब मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके कहीं और लोकेशन में ले जाता हूँ और वहां पे जब मैं इसको फिल्टर लगाऊंगा, फिल्टर लगाऊंगा तो चीजें यहाँ पे नहीं होगी। देखिए मैं मान लीजिए कि जयपुर लिया, तो यहाँ देखेगा कि जयपुर ही दिख रहा है, उसके नीचे का चीजें नहीं दिख रहा है, क्योंकि तो यहाँ पे जयपुर पिवट था, इसलिए समझ पा रहा है कि जयपुर के तीन चीजें हैं, तीनों डेटा जयपुर का है, लेकिन ये तो नहीं समझ पा रहा है, नॉर्मल डेटा तो नहीं समझ पाएगा। सो आई वॉन्ट टू रिपीट, तो सेम पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पिवट टेबल के डिजाइन वाले सेक्शन में चले जाइए और यहीं पे आपको दिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेबल, रिपोर्ट लेआउट में ही रिपीट ऑल आइटम लेबल, यहाँ पे देखिए सारे आइटम्स यहाँ पे रिपीट हो गए। अब मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच में ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए, तो यहीं पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो देखिए सबका एक नया ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो गया। मैं चाहता हूं नहीं हटा दो इसको, तो मैं रिमूव कर दिया। मैं चाहता हूं कि ब्लैंक भी, ये जो रिपीट है वो भी हट जाए, डू नॉट रिपीट। अब मैं चाहता हूं कि दोनों यहां पे मर्ज हो जाए, पर डायरेक्टली हम मर्ज नहीं कर सकते, इसको हम डायरेक्टली मर्ज नहीं होगा। तो कैसे डायरेक्टली हम मर्ज करें, तो डायरेक्टली मर्ज करने के लिए मैं राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे आता हूं और यहीं पे मैं करता हूं मर्ज एंड सेंटर, दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर, अब ये हमारा मर्ज हो गया। दूसरी चीज, कभी कभी हमें जानने की जरूरत पड़ती है कि जैसे मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं कि योगेश ने 2480 सेल किया है, क्वांटिटी सेल किया किसमें, न्यू दिल्ली में, और बस मैं चाहता हूं इसका डेटा कि 2480 जो सेल हुआ वो किस किस डेटा से सेल हुआ है, ये मुझे आइडिया लग जाए, तो जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है सर? ओके, यस सर। तो ध्यान रखिएगा, क्लिक डबल क्लिक करते आ जाएगा, लेकिन क्या होता है एक प्रॉब्लम भी होती है, एक अच्छी चीज है तो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है कि अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं ना, अब बहुत सारे लोगों की आदत होता है कहीं कहीं अपना जहां था डबल क्लिक करने का, तो अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं तो एक नई सीट पे खुल जाता है, ठीक है? एक अलग नई सीट पे खुल जाता है। तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत करने की, जहां मर्जी वहां इस तरह से डबल क्लिक कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसी तरह की डबल क्लिक ना करे, ठीक है? डबल क्लिक करने पे प्रॉब्लम नॉर्मल डेटा ना है, तो पिवट टेबल ऑप्शन पे
मैं यहाँ डेटा पे जाऊंगा और एनेबल शो डेटा पे हम क्लिक कर लेते हैं। ओके अब मैं कहीं तो मेरा डेटा नहीं दिखेगा। तो चलिए एक छोटा सा हम रिपोर्ट इस पिवट से बनाते हैं कि आप क्या करेंगे इस डेटा से। तो मैं सबसे पहले पिवट को इंसर्ट करता हूं। यहां पे इंसर्ट किया मैंने नेम वाइज टोटल क्वांटिटी एमआरपी और अमाउंट लिया। बट यहां एमआरपी का टोटल डेट आ गया, नेम चाहिए था ना। यहाँ पे MRP का टोटल नहीं, MRP का एवरेज होना चाहिए क्योंकि MRP का टोटल तो गलत होगा ना सर। अब इसको रिपोर्ट बना लीजिए आप। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको नेम, यहाँ पे मैं क्वांटिटी, यहाँ पे MRP। अब इसे MRP नाम नहीं करें क्योंकि MRP नाम का ऑलरेडी फील्ड है, बस स्पेस दे दीजिए, एक्सेप्ट कर लेगा और सेम अमाउंट। ओके और इसको हमने क्विकली फॉर्मेट यहां से फॉर्मेट ले लिया। ओके अब मुझे दूसरी रिपोर्ट बनानी है, तो आप यह उसको आप जो है एक अलग टेबल पे बना सकते हैं, अलग एक सीट पे। जैसे कि मैं यहां पे मुझे नेम वाइज, सिटी वाइज और मुझे सिटी के अंदर टाइप भी होना चाहिए और उसके बाद उसकी क्वांटिटी चाहिए इस तरह से। अब यहाँ जो टोटल आया है थोड़ा सा और लग रहा है, तो राइट क्लिक करता हूँ और इसको सब टोटल सिटी हटा देता हूँ। दिख गया। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके फॉर्म इसमें फॉर्मेट पे जाता हूँ और मैं इम्पेक्टिव सेल में 0 दे देता हूँ और फिर इसकी यहाँ डिजाइन में आके इसकी हम फॉर्मेट लेते हैं। अब इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेंटर कर देता हूँ। नदी गया न्यू दिल्ली ओल्ड एंड न्यू। राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाता हूं और इसको मर्ज कर देता हूं, मर्ज कर दिया ताकि यहां पे एक जैसा दिख रहा है ना, नहीं तेरे एक जैसा दिख रहा है यहां पे। तो एक रिपोर्ट बन गई। अब इस रिपोर्ट को मैं इसी के नीचे भी यहां साइड में भी रख सकता था, बट आप अलग अलग सेल पे भी अलग अलग सीट पे भी रख सकते हो। अब यहां पे मैं ये जाता हूं पेज लेआउट में जाता हूं और मैं ये लाइन हटा देता हूं, यहाँ आता हूँ, यहाँ भी गिरने हटा दीजिए, नाम दे दीजिए, ये आ गया आपका सेल्स, यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे कस्टमर, कस्टमर वाइज आ गया, ये हमारा आ जाता है कस्टमर वीएस सिटी। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कॉमन है कि मुझे इस तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए मेरा डेटा को रिपोर्ट बनाना है, मुझे दोनों को भेजना है, किसी को मेल भेजना है अपनी रिपोर्ट को, तो क्या मुझे डेटा भी भेजना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। पिवट अपना डेटा अपने बैकग्राउंड में कैरी करता है, बस इसको दोनों सीट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी और फिर यहाँ न्यू बुक पे जाइए, ओके कीजिए, यहाँ दो रिपोर्ट आ गया। और डेटा की जरूरत नहीं है, इसको सेव करके भेज सकते हैं, डेटा इसके साथ है। अपने हिसाब से सारा पिवट जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह आपसे चेंज कर सकता है, बस रिफ्रेश नहीं कर सकता। जैसे रिफ्रेश करेगा तो डेटा सोर्स चाहिए होगा, तो बगैर रिफ्रेश किए हुए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। सर रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिफ्रेश करेंगे तो फिर डेटा खोजेगा ना, एरर देगा। सर करें इसमें एक बार करके।
ये अभी ले रहा है क्योंकि अभी फाइल खुला हुआ है ना हमारा, ये हमारे सिस्टम में फाइल है ना अभी, तो फाइल से लिंक है। नहीं अगर मैं बंद भी कर देता हूँ अपने में, उससे पता नहीं है, बंद भी कर दे फिर भी रिफ्रेश करने में प्रॉब्लम होता है, तो आपके पास जाएगी ना सर, उस लोकेशन में फाइल नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा एरर दिखाएगा, रिपोर्ट नहीं हटेगा, रिपोर्ट जैसा वैसा ही रहेगा। रिपोर्ट गायब तो नहीं हुआ ना, रिपोर्ट तो रहेगा ना? नहीं गायब नहीं होगा। ओके ओके ठीक है ना, देखिए इसके बैकएंड इसका डेटा है ना, डबल क्लिक कीजिए सारा डेटा आ जाएगा, देखिए डेटा है ना यहाँ पे। तो पिवट अपना डेटा कॉपी कर लेता है, मैं पिवट जो है इस तरह से लिंक, जैसे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 20 है, यहाँ मैं इसको इक्वल करके इसको लिंक कर दिया तो दोनों ए इससे लिंक है, तो जैसे यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ डिलीट कर दूंगा तो यहाँ डिलीट हो जाएगा, ये सिस्टम नहीं है। वो क्या करता है कि इसको कॉपी करके अपने पास रख लेता है, यहाँ चेंज किया तो यहाँ एंटर मार से चेंज नहीं होता है, मुझे इस पर रिफ्रेश करना होता है, जब रिफ्रेश करते हैं तो वापस कॉपी करके वो पेस्ट करता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ क्लीन कर दिया तो जब रिफ्रेश करेंगे तो इसका डेटा यहाँ मिलेगा, ये फाइल लोकेशन ही नहीं मिलेगा तो कॉपी नहीं करेगा, कॉपी जब होगा तो पेस्ट क्या करेगा। ओके ओके इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग पिवट टेबल की, और आप जो है कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। रवि तुम्हारा जी सॉरी, ये क्लास थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट हो गई थी, 9:30 में स्टार्ट हो गई थी सर, आज 9:30 में आपको भेज देता हूँ। सर एक एक प्रॉब्लम है, बड़ी फाइल में फिल्टर से डिलीट करना और फिल्टर से कॉपी करके दूसरी जगह ले जाना, वो मतलब बेस्ट तरीका क्या है? फिल्टर से डिलीट मत कीजिए, डिलीट करने में प्रॉब्लम होता है, उसका कोई सलूशन नहीं है। कॉपी करके ले जाना है तो आप उसके लिए यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट होता है बूट स्पेशल में, इसमें विजुअल सेल्स को सेलेक्ट कीजिए फिर कॉपी कीजिए। ओके ओके ठीक है ठीक है। सर मैं ये बोल रहा था, हेलो बोलिए ना सर, ये वीवीए की नया बैच कब शुरू हो रहा है सर? वीवीए का जैसे शुरू होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर ठीक, ओके सर थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट।